वहाँ से लगभग थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें एक दोबारा धमाका सुनाई दिया। हम लोग तो फिर वहाँ पे दोबारा कवर में हो गया, तो हमें तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि अभी वहाँ से हम उस रेंज से तो बाहर आ चुके हैं फायर के, पर अभी हमारा आगे फायर खुला है तो इसका मतलब कोई हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका है। पर वो एक्चुअली कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, हमारा एक लड़का था जो माइन कैजुअलिटी हो गया था, उसका पैर माइन में आ चुका था। तो वो भी वो रूट हमने कई बार पहले सेलेक्ट कर चुका है, रूट खुला हुआ था, हम लोग वहाँ से पहले भी कई बार आ जा चुके थे। तो हम बोल सकते कि शायद उसकी किस्मत साथ नहीं दी तो उसकी वजह से उसका माइन में पैर आ गया। जो इसका पैर उड़ा था उसके भट्टी ने सेट में पास किया है कि माइन ब्लास्ट हो गया। फिर मैं और दो तीन बंदे और थे जो मेडिकल वाले थे, हम सारे इकट्ठे क्लोज हो गए। उसके बाद हमने उसका जो जूता था, जो पैर उड़ा हुआ था जूता, उसका खोला और जो एक्सोस्टेट था, मैंने पहले बताया एक्सोस्टेट हम जो यूज़ करते हैं वो एक्सोस्टेट को उसके पैर में हमने डाला, तोड़ तोड़ के उसके पैर में डाल दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट एड कर दिया और जो पेन किलर इंजेक्शन थे वो दे दिए और पेन किलर खाने के।